हेलो दोस्तों, अगर आप एक व्हाट्सअप यूज़र्स हैं, व्हाट्सअप को यूज़ करते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सअप के एक न्यू अपडेट के बारे में। व्हाट्सअप के अंदर हाल ही में एक न्यू अपडेट आया है जो कि बहुत ही कमाल का अपडेट है और उस अपडेट से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये अपडेट जो है काफ़ी अच्छा अपडेट मुझे लगा है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को भी जो है पता चल जाए इस अपडेट के बारे में। ये अपडेट कैसे काम करेगा, इसको कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS YouTube चैनल। चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, हमने अपने WhatsApp को ओपन किया हुआ है। अब बात करते हैं कि वो जो अपडेट है आपको कहां पर देखने को मिलेगा। वो अपडेट आपको जो है WhatsApp की चैट में जाने के बाद में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर हमने एक फ्रेंड की चैट को ओपन किया हुआ है, यहीं पर आपको वो अपडेट देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि सामने वाला बंदा कोई भी हो सकता है, वो हमें अगर मैसेज करता है और वो गलत मैसेज करता है, जैसे कि यहाँ पर जो है हमारे एक फ्रेंड ने हमें ये एक वीडियो का लिंक शेयर किया है, इस पर मैं ऑल्ट प्रेस करके रखता हूँ और यहाँ ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करता हूँ तो नीचे में एक ऑप्शन आ रहा है मेरे सामने रिपोर्ट का। तो यहां पर जो है मैं इस मैसेज को रिपोर्ट करूंगा और ये सीधा डायरेक्ट जो रिपोर्ट जाएगी वो WhatsApp टीम के पास में जाएगी और वो इसको चेक करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे। अगर उनको ऐसा लगेगा कि ये मैसेज गलत है तो वो उसके अकाउंट को डिसेबल कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आप जो है WhatsApp पर किसी भी बंदे से बात कर रहे हैं और सामने वाला बंदा आपको जो है कोई गाली वगैरह के मैसेज कर देता है या फिर जो है गलत पिक्चर आपको सेंड कर देता है या फिर गलत लिंक आपको सेंड कर देता है, तो आप क्या करेंगे? अब आप जो है उसको रिपोर्ट कर सकते हो, उस पर्टिकुलर मैसेज को रिपोर्ट कर सकते हो जो कि आपको WhatsApp टीम के पास में फॉरवर्ड करना होगा। किस तरह से? जैसे कि ये लिंक आया है, इस पर क्लिक करना है और ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। रिपोर्ट का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, रिपोर्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो है ब्लॉक कॉन्टैक्ट को चेक लगा करके यहाँ रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हमारी जो रिपोर्ट होगी WhatsApp टीम के पास में चली जाएगी। अगर WhatsApp टीम को ऐसा लगेगा कि हाँ ये गलत मैसेज है तो वो उसके अकाउंट को जो है डिलीट कर देंगे, उसको डिसेबल कर देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसे तो हम किसी का भी अकाउंट जो है डिलीट करा सकते हैं उसको रिपोर्ट करके, लेकिन ऐसा नहीं है। जब WhatsApp की टीम के पास में जो है हमारा रिपोर्ट जाता है तो वो उसको चेक करते हैं, मैसेज को देखते हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ सच में मैसेज गलत है तभी वो ऐसा करेंगे, वरना वो किसी के अकाउंट को ऐसे ही डिलीट ऐसे ही डिसेबल नहीं करेंगे। आपको ये अपडेट कैसा लगा आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।